हेलो एवरीवन, अभी चल रहे लॉकडाउन में सबसे अगर टेस्टी रेसिपी है तो वो है गुजराती खीचू। राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे से बनने वाली ये रेसिपी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फिर भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पूरे देखिए और देखने के बाद एंड टू एंड में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन प्रेस करने से हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। खिचू में बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है मेज़रमेंट। जिस बर्तन से आप आटा ले उसी बर्तन से पानी लेना है। अगर एक कप आटा है तो हमें चाहिए 1/4 कप पानी, यानी 1 कप + 1/4 कप दूसरा। ये मेज़रमेंट अगर आप फॉलो करोगे तो आपका खिचू बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये मैंने पानी ले लिया है एक बड़े बर्तन में, और खिचू बनाने के लिए हैवी बॉटम वाला पैन ले। इसमें ऐड कर दिया जीरा, नमक और ये थोड़ा सा पापड़ खारे। ये हम खाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पापड़ खारे हम ऐसे ही डालेंगे, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये है हरे मिर्च के पेस्ट। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हम उबलने देंगे। जब पानी उबलने लगे तो इसमें ऐड कर दे जाएंगे चावल का आटा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए। बेलन की मदद से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें गट्ठे नहीं रहेंगे। ये मिक्स करने की प्रोसेस भी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे खिचू बनाने में इजी है लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि इसमें आटा सूखा ना रहे और लम्स भी ना रहे। अब इसको हम दो तरह से स्टीम करेंगे। एक तो ये काने वाली छलनी में हम स्टीम करने रख सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा खिचू आप बना सकते हो। इसको ढककर 8 से 10 मिनट हम स्टीम करेंगे, या फिर ये पूरे बर्तन में एक साथ खिचू को आप उबाल सकते हो। बिल्कुल गैस की फ्लेम स्लो कर दे, ऊपर थोड़ा सा पानी छिटक ले और फिर ढककर इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इसमें इसके ऊपर गीला कपड़ा भी रख कर पकाते हैं। तो ये रेडी है खिचू खाने के लिए। दोनों तरह के खिचू रेडी है। गरम गरम खिचू बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से गेहूं का है और मकई का भी खिचू बनता है। ऊपर से ऐड करेंगे तेल, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। ये कच्चे तेल के साथ खाया जाता है और ठंडे के सीजन में ये तिल के तेल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप कभी भी इसको खाओ अच्छा ही लगता है, और अचार मसाला हो तो और टेस्टी लगता है। या फिर इस तरह से आप कटोरी में या डिश में तेल और मिर्च के साथ भी खा सकते हो। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप बनाकर ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए।